बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना का आरंभ कर दिया है। शुरुआत होने के साथ ही इसके तहत 1.35 लाख 900 वृद्धों के बैंक खाते में पेंशन योजना की 2 माह यानी अप्रैल और मई की राशि स्थानांतरित कर दी गई। अब तक 2 लाख लोगों ने इस योजना के तहत आवेदन किया है। उम्मीद है कि 35 से 36 लाख लोगों द्वारा इस योजना के लाभ लिए जाने को लेकर आवेदन आएगा। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में इस योजना के आरंभ के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बीपीएल हो या एपीएल, सभी वर्ग के वृद्ध जनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। प्रतिवर्ष 1800 करोड़ रुपए खर्च करेगी राज्य सरकार इस योजना पर। दरअसल मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस योजना के लिए राज्य सरकार अपनी ओर से प्रतिवर्ष 1800 करोड़ रुपए का खर्च करेगी। राज्य सरकार द्वारा किए गए एक आकलन के अनुसार वर्तमान में 35 से 36 लाख वृद्ध इस श्रेणी के हैं, जिन्हें किसी भी योजना के तहत कोई लाभ नहीं मिल रहा। हमने निर्णय लिया कि जो कुछ पाने से वंचित हैं उनको लाभ देंगे। कम से कम पोता पोती को चॉकलेट लाकर देंगे तो अच्छा लगेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के आवेदन ऑनलाइन भी किए जा सकेंगे। इससे फायदा ये होगा कि मुख्यालय के स्तर पर निर्णय हो जाएगा और भुगतान में तेजी आएगी। जरूरत इस बात की है कि लोग इस सुविधा का लाभ उठाएं। बता दें कि सरकार ने ये व्यवस्था भी कर दी है कि जो लोग माता पिता की उपेक्षा करेंगे उनकी खैर नहीं, एसडीओ के यहाँ आवेदन देने से ही कार्रवाई हो जाएगी। अपील के लिए कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं, अब डीएम के स्तर पर 30 दिनों के अंदर फैसला हो जाएगा। अब दूसरे राज्य ये पूछ रहे हैं कि ये निर्णय किस तरह से लिया गया है, वे लोग भी करना चाह रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद वृद्ध जनों से उन्होंने ये अपील किया कि सभी लोगों को इस बारे में बताएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 13 साल से वो हर तबके के विकास के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को सीधे लाभ मिले इस पर काम कर रहे हैं। ये योजना है क्या, जरा ये भी जान लीजिए। इस योजना से 60 वर्ष या फिर उससे अधिक उम्र के सभी वृद्ध जन आच्छादित हैं। गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल या फिर गरीबी रेखा से ऊपर एपीएल का कोई चक्कर नहीं है। पेंशन के रूप में प्रति माह 400 रुपए उन्हें मिलेंगे, जिन्हें किसी तरह का कोई पेंशन नहीं मिल रही। 80 वर्ष की उम्र हो जाने पर पेंशन की राशि प्रति माह 500 रुपए हो जाएगी। आवेदन प्रखंड के आरटीपीएस सेंटर में कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन के लिए एसएसपी एमआईए इन पर जाना है। आवेदन के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। पेंशन पहली अप्रैल 2019 की तिथि से मिलेगी। नेक्स्ट टाइम भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट।